नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे वी लुकअप सिंपल वे में आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक शीट है जिसमें सेल्समैन है, ये इनकी लोकेशन है जिन लोकेशन पे ये काम करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और यहाँ पे कुछ मोबाइल हैं जो ये सेल करते हैं, एप्पल, एलजी, नोकिया। और लास्ट में टोटल लगा लिया गया है इनका, कितने मोबाइल इन्होंने सेल किए हैं और ये इनके वर्किंग डेज हैं। वी लुकअप मतलब वर्टिकल वैल्यू को लुकअप करना। दो फंक्शन होते हैं, वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी लुकअप वर्टिकल वैल्यू को लुकअप करता है और एच लुकअप हॉरिजेंटल वैल्यू को लुकअप करता है। वर्टिकल मतलब अगर आपको राकेश की कोई सेल फाइंड आउट करनी हो इस तरीके से, मतलब टेबल अगर होगी आपकी वर्टिकल होगी तो आप वी लुकअप लगाएंगे, और अगर हॉरिजेंटल टेबल होगी आपकी इस तरीके से तो आप एच लुकअप लगाएंगे। तो ये वर्टिकल टेबल है आपकी, तो इसमें वी लुकअप लगाएंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल वी लुकअप मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, जिसमें फाइंड करेंगे अपन कि राकेश ने एप्पल के कितने मोबाइल सेल करें। तो यहाँ पे लगाएंगे आप इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट वैल्यू आप डालेंगे जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वो सेल एड्रेस लिखेंगे। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है राकेश की, कि राकेश ने एप्पल के कितने मोबाइल सेल करें। फर्स्ट वैल्यू आ गई राकेश की। सेकंड डालेंगे एरे, जिस शीट में से आपको फाइंड आउट करना है डेटा, तो यहाँ पे सेपरेशन दे देते हैं कॉमा और पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरी शीट सेलेक्ट करी, इसके बाद में जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका कॉलम नंबर लिखेंगे। एप्पल का कॉलम नंबर आ गया 3, और कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे इसने बताया कि राकेश ने एप्पल के 116 मोबाइल सेल करे हैं। अगर अपने को यहाँ पे फाइंड करना है, सपोज राकेश कौन सी लोकेशन पे काम करना है, तो यहाँ पे आप एडिट क्या क्या करेंगे, एडिट फॉर्म में आ जाते हैं। राकेश वो की हुई रहेगा B5, पूरी शीट की एरे वो की हुई रहेगी। कॉलम नंबर यहाँ पे अपन ने दिया था 1, 2, 3 नंबर कॉलम, अब लोकेशन के लिए आ जाएगा 2 नंबर कॉलम, तो यहाँ पे 3 की जगह कर देते हैं 2, और एंटर किया। इसने बताया कि राकेश नॉर्थ में काम करता है। ये बिल्कुल सिंपल वी लुकअप लगाया है एक अपन ने, और